Hi everyone, good morning. Very good morning to all. And today is, as you know, that 19th October. आज 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर 1950 में अल्बानिया में पैदा होने वाली, जो 1910 में अल्बानिया में पैदा हुई और समय के साथ भारत आई और भारत की नागरिकता लेके भारत में रह ली और यहाँ पे कुष्ठ रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा में सदैव एक माँ के रूप में तत्पर रही। आरोप बहुत लगते रहे कि ये धर्म का प्रचार कर रही हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रही हैं, धर्म परिवर्तन कह रही हैं, आरोप लगते रहे, लेकिन कुल मिला के मानव के लिए वो सेवा में लगी रही, जिनका नाम था मदर टेरेसा। और इसी तरह का काम करने की वजह से मिस्टर एधी हुए एक पाकिस्तान में, वो भी मेडिकली, एम्बुलेंस के थ्रू और अन्य तरीकों से गरीबों की सेवा में लगे रहे, उनका नाम मिल गया फादर टेरेसा। तो मदर टेरेसा भारत की नागरिक रही और 1950 में आज ही 19 अक्टूबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना, मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना कोलकाता में की और कुष्ठ रोगियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी उनकी सेवा के लिए। और अंततः 1979 में उन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिला, उन्हें शांति का नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। 1997 में वो हमारे बीच नहीं रही, चल बसी। हमने भी उन्हें भारत रत्न से नवाजा। हमने क्या, भारत ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो ये ध्यान में रखना है, एक तो ये। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये 19 अक्टूबर ही था 1953 जब हमारे मद्रास के एक राजनेता ने आजादी होने से पहले नेताओं से जो वादे करवाए थे और जो हमने सोचा था कि मद्रास जब देश हमारा आजाद होगा तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होगा जहां आंध्र भाषा बोली जाती है। आजादी मिल गई, परिस्थितियां बदल गई, 5 साल गुजर गए, पर जवाहरलाल नेहरू जी का इन पर ध्यान नहीं गया। रीजन कई रहे होंगे, हम मान सकते हैं, पर आंध्र की जनता के भावनाओं को ध्यान में रखकर उनके नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे जो थे, श्री रा मूलू पॉट्टी ने, ठीक है, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया, भूख हड़ताल, और टिल डेथ हंगर स्ट्राइक में रहे। कई दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तब जा करके हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर निर्माण हुआ और भाषा के आधार पर राज्य का पहला निर्माण वो आंध्र प्रदेश ही था। तो आंध्र प्रदेश और श्री रामूलू पॉट्टी जी का बड़ा योगदान था। और उसी टाइम में डिमांड चल रहा था कि तेलंगाना भी चाहिए, लेकिन बाद में अब जाके 2 जून 2014 को अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, जो भाषा के आधार पर नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये तो आप समझ गए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यू नो 19 अक्टूबर को ही 1900 ईस्वी में जर्मन फिजिस्ट, जर्मनी के भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी की खोज की और ये बताया कि रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, कैसा होता है जब वो किसी ब्लैक बॉडी पे पड़ता है। तो ब्लैक बॉडी पे जब कोई रेडिएशन पड़ता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ये आपके क्वांटम थ्योरी को देते हुए समझाया मिस्टर मैक्स प्लांक ने। आज क्वांटम सिद्धांत पे कितने काम हो रहे हैं हम और आप सब जानते हैं, वो आज ही का है। आज ही 19 अक्टूबर 1910 में उस वक्त के भारत के लाहौर में जन्म लिए थे सीवी रमन के भतीजे, चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे, जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में जन्म लिए और 1935 में ब्लैक होल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया। और आगे चल करके 1983 में विलियम फाउलर के साथ इनको जॉइंटली फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में ही मिला और 1983 में, यानी 53 वर्ष बाद हम देखते हैं उनके भतीजे क्या, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को
प्राइज मिला, आई मीन अवार्ड से नवाजा गया नोबेल फिजिक्स से। याद रहे यही चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर लिमिट की थ्योरी दी और स्टार के बारे में बताया कि स्टार का जो टेम्परेचर है, जो कलर है, जो एज है, उसको फाइंड आउट किया और सुपरनोवा का संदर्भ भी दिया। फिर जो बिग बैंग की थ्योरी जो होता है कि माने स्टार में विस्फोट कैसे होता है, और जो सबसे बड़ी बात वो कि ब्लैक होल चंद्रशेखर लिमिट मायने रखता है, और किस तरह से जब कोई स्टार्स में विस्फोट होता है तो कैसे ब्लैक होल तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने कहा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए। तो आपने देखा कि 19 अक्टूबर का भी अपना इम्पोर्टेंस है, मैक्स प्लैंक का क्वांटम आया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का सिद्धांत और उनकी चीज़ें, फिर आपने देखा मिशनरी ऑफ चैरिटी और हमारे श्रीरा मूलू पोट्टी जी का हंगर स्ट्राइक और आंध्र प्रदेश के निर्माण के संदर्भ में आज ही हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ था। तो चलिए इस छोटी सी मुलाकात के साथ मैं आज इसे समाप्त करता हूँ, और फिर मैं आपसे वादा करता हूँ अगले दिन फिर आपकी एक नई कड़ी जुड़ जाएगी। इसीलिए आप प्लीज़ प्रेस करते रहिए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब भी करते रहिए और करवाते भी रहिए। आपका सुनील सर आपकी सेवा में, रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री एजुकेशन चैनल।